दोस्तों नमस्कार, मैं आपका एम एस चौहान ट्रैफिक ज्ञान चैनल में स्वागत है। अनकट वीडियो दोस्तों। अच्छा, कुछ सब्सक्राइबर का ये कहना था कि सर सर्फ के बारे में बताइए कि सर्फ कौन सा अच्छा होता है, तो आज उसी के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सर्फ तो प्राय मार्केट के अंदर काफ़ी हैं, हल्के भी होते हैं, भारी भी होते हैं, दानेदार भी होते हैं, उसमें नीले भी हैं, वाइट भी हैं, उसके अंदर छोटे छोटे जो कण होते हैं नीले और लाल वो भी होते हैं, हर हरेक तरह का सर्फ है, खुशबू अलग अलग होती है। तो दोस्तों बताते हैं कि ये है क्या, एक जो फुसफुसे कलर का जो फुसफुस जो हल्का जो सर्फ होता है फुसफुसे दानेदार सबसे उत्तम सर्फ होता है, क्योंकि उसके अंदर सोडे की मात्रा बहुत कम होती है, जो उसकी जितना भी उसमें होना चाहिए एक उत्तम सर्फ के अंदर उतना ही होता है। तो ये थोड़ा और सर्फ से महंगा है, क्योंकि इसका जो कार्य है बहुत अच्छा है और इससे महंगे से महंगे सब कपड़ों को इससे वॉश किया जा सकता है। दूसरा होता है मोटे दरदरे दानेदार। तो मोटे दरदरे दानेदार में हमारा ऑक्सीजन ब्लीच भी आता है, लेकिन उसकी विधि थोड़ी अलग है। वो महंगे सर्फ में आता है वेनिश वगैरह, उसका थोड़ा अलग है, वो बहुत ही उत्तम सर्फ में है, क्योंकि उसका जो रचक है वो इनसे डिफरेंट है, अलग है बिल्कुल। तो हम सर्फ ऑर्डनरी सर्फ की बात कर रहे हैं। तो जो मोटे दरदरे दानेदार होता है वो उसको हम सामान्य और साधारण श्रेणी में लेते हैं, कैटेगरी में। और जो बारीक दरदरे दानेदार होता है, जैसे सूजी होती है हमारी बारीक दरदरे दानेदार, जैसे सोडा है, सोडा भी हल्का दरदरा होता है उसमें सोडा एस वगैरह, तो वो हमारा बिल्कुल सस्ते सर्फों में आ जाता है, बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल निचले स्तर पे। उससे हम सिर्फ रफ एंड टफ और उस टाइप के कपड़े धो सकते हैं जो कि भारी हो, ज़्यादा गंदे हो, उस टाइप के। इससे महंगे कपड़ों को धोने से उनको क्षति पहुँच सकती है। तो मार्केट में सर्फ उनकी कीमतें अलग अलग हैं, वो उनके गुणवत्ता के आधार पर ही रखी जाती हैं, क्योंकि जो सर्फ कंपनी का जो सर्फ है जो नीले रंग का होता है वो अक्सर आपने देखा है कि वो फुसफुसाई यानी हल्का होता है। अच्छा, इसको हल्के भारी में क्या है कि जो ज़्यादा जगह घेरता है, जो पैकिंग में या रखने में ज़्यादा जगह घेरता है, वज़न तो 1 किलो है और 1 किलो में जो कम जगह घेरता है वो सस्ता है, जो ज़्यादा जगह घेरता है वो भारी है, लेकिन उसमें जो ऑक्सीजन ब्लीच है, वो ऑक्सीजन जो सर्फ है वो मोटे दानेदार होता है, उसका जो वेनिश वगैरह उसी ब्लीच के संज्ञा दी है उसको, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठे सोडे का ही एक उत्पाद है। तो दोस्तों ये एक सर्फ की आपको छोटी सी एक टिप्स दी है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों फिर एक आपको इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ, जो सस्ता सर्फ है वो बनता कैसे है। जैसे सोडा एस, सोडा एस यानी कि Na2CO3, ये सोडा एस है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये 15 kg डालते हैं, और मीठा सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये हमारा NaCNaHCO3, ये मीठा सोडा है, इसकी ये फार्मूलेशन थी।
तो ये 5 kg डाला जाता है। और इसमें फिर डालते हैं कैल्शियम सिलिकेट 2 kg, डिडोसाइल बेंजीन ये होता है हमारा एसिड सैलरी ये 10 kg, ट्राई सोडियम 2 kg, कलर 70 ग्राम और परफ्यूम सुगंध 30 ग्राम। तो ये जो हमारा है ये एक साधारण यानी कि सामान्य जो हमारे सर्फ होते हैं ये उसकी विधि है। तो इसमें 35 किलो के अंदर हमारा 20 किलो तो हमारा सोडा ही हो गया है, 15 किलो सोडा है, 5 किलो सोडा बाइकार्ब यानी मीठा सोडा बेकिंग सोडा। तो दोस्तों इसीलिए जो भारी जो सर्फ होगा वो सस्ता होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए विषय पे। नमस्कार दोस्तों।